देश में राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो चुका है। देश को द्रौपदी मुर्मू के रूप में नई राष्ट्रपति मिल चुकी है। इसके साथ ही 300 एकड़ परिसर में फैली खास इमारत में तमाम बदलाव भी हो रहे हैं। आमतौर पर हर बार राष्ट्रपति बदलने के बाद यहां के सचिवालय का स्टाफ भी बदलता है। राष्ट्रपति भवन के खास किचन में व्यंजनों की लिस्ट में बदलाव होता है। ये बदलाव मौजूदा राष्ट्रपति के खान पान की रुचि और पसंद के अनुसार होता है और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के लिए कौन खाना बनाता है? भोजन डिपार्टमेंट यानी कि राष्ट्रपति भवन के खास किचन का प्रमुख कौन है जो वहाँ के खान पान पर निगाह रखता है? अगर नहीं पता तो चलिए आपको बताते हैं। हर नए राष्ट्रपति के आगमन के साथ यहाँ के मेन्यू में राष्ट्रपति के गृह राज्य के व्यंजनों को शामिल किया जाता है, खासकर राष्ट्रपति के पसंदीदा खाने को। अब जैसे द्रौपदी मुर्मू को उड़िया व्यंजन पाखला बहुत पसंद है। वो शाकाहारी हैं और अपने खाने में प्याज और लहसुन का कतई इस्तेमाल नहीं करती, जिसका मतलब है कि वो सात्विक खाना ही खाती हैं। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति भवन में अब उनके लिए जो भी खाना बनेगा उसमें काफी बदलाव होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में दो किचन हैं, एक राष्ट्रपति का निजी किचन और दूसरा भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में खान पान की जिम्मेदारी निभाने वाला किचन। पहला किचन छोटा है लेकिन दूसरा किचन काफी बड़ा, जो आकार प्रकार और स्टाफ की क्षमता के हिसाब से 5 सितारा होटलों के किचन को भी मात देता है। बड़ा किचन सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। फिलहाल मोंटी सैनी राष्ट्रपति भवन की इस किचन के हेड हैं। वो 45 लोगों की किचन टीम को लीड करते हैं। राष्ट्रपति भवन के इस किचन के कई सेक्शन हैं, जिसमें मुख्य किचन, बेकर्स, हलवाई, कॉन्टिनेंटल और ट्रेनिंग एरिया शामिल है। ये पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसकी सफाई के लिए भी एक खास टीम है जो हाइजीन के उच्च मानदंडों के अनुसार किचन को हमेशा साफ रखती है। यही किचन राष्ट्रपति भवन के सभी आधिकारिक समारोहों, मीटिंग्स, रिसेप्शन और कॉन्फ्रेंस में खान पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन के रसोई तरह तरह के व्यंजनों के उस्ताद हैं। बेकरी सेक्शन अगर केक, ब्रेड्स, पिज्जा, डोनट्स, पेस्ट्री आदि का विशेषज्ञ है तो भारतीय मिठाइयों का सेक्शन जलेबी, गुलाब जामुन, इमरती, बंगाली मिठाइयां आदि बनाता है। जिन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के समारोहों में शिरकत की है वो बताते हैं कि यहाँ के समोसे, ढोकले और कचौरियों का स्वाद ही अलग होता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को भी खूब भाता है। इसके अलावा मुर्ग दरबारी, गोश्त, थाखनी, दाल, रायसीना, कोफ्ता, आलू बुखारा कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें यहाँ की किचन देश के किसी 5 सितारा होटल की पाक कला को भी मात देती है। यहाँ परोसे जाने वाले अवधि व्यंजनों का जायका भी बेहतरीन रहता है। ये सभी व्यंजन अलग अलग कार्यक्रमों और उनकी प्रकृति, आने वाले मेहमानों की प्रकृति, उनके खान पान के तरीकों और पसंद के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। जिस देश के मेहमान आ रहे होते हैं वहाँ के व्यंजनों को भी भारतीय और कॉन्टिनेंटल डिश के साथ परोसने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर यह सिलसिला तब से ही चल रहा है जब 1929 में ये बनकर तैयार हुआ और तत्कालीन वायसराय यहाँ रहने आए। राष्ट्रपति भवन में ही एक राष्ट्रपति का निजी पारिवारिक किचन भी है, जिसमें राष्ट्रपति, उनके परिवार और मेहमानों के खान पान का ध्यान रखा जाता है। इस किचन का प्रमुख भी एग्जीक्यूटिव शेफ ही होता है। फिलहाल मुकेश कुमार राष्ट्रपति भवन के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। वही राष्ट्रपति भवन के किचन में बनने वाली सब्जियां और मसाले पूरी तरह से यहां के किचन गार्डन में ही उगाए जाते हैं। ये काफी बड़ा है। यहां अलग अलग प्रकार और प्रजातियों की सब्जियां और हर्ब्स उगाए जाते हैं। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होते हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति किचन में हर काम का एक समय तय होता है। उससे एक मिनट इधर या उधर नहीं हो सकता। अगर रात के कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए तो किचन में सुबह जल्दी काम शुरू होता है और फिर देर तक चलता रहता है। किचन टीम रोजाना 15 से 16 घंटे काम करती है। आपको राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रमों और उसको लेकर तैयारियों के बारे में बताएं तो किसी भी समारोह या औपचारिक बैंक्वेट के लिए तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। इसके मेन्यू के लिए प्लानिंग की जाती है, फिर एग्जीक्यूटिव शेफ इस पर मुहर लगाते हैं। मेन्यू की मंजूरी के बाद सामग्रियों की लिस्ट स्टोर में भेजी जाती है, जिसमें खाद्य सामग्री से लेकर कटलरी, क्रॉकरी, कांच के सामान आदि सभी जरूरी चीजों की डिमांड होती है। सभी तरह की कटलरी और कांच के सामानों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह छपा होता है। दावत का मेन्यू फाइनल होने के बाद अगर इसके सामानों की मांग स्टोर से की जाती है तो साथ ही इसके मेन्यू को भी राष्ट्रपति भवन के ही प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि इससे पहले डिजाइन विभाग इसकी विशिष्ट तौर पर डिजाइन भी करता है। राष्ट्रपति भवन में किसी भी भोज से करीब 6-8 घंटे पहले टेबल तैयार कर ली जाती है। उस पर क्रॉकरी सज चुकी होती है, टेबल पर फूलों की सजावट होती है और आमतौर पर ऐसे भोज में सूप, वेज और नॉनवेज व्यंजनों की विविधता और कई तरह के डेजर्ट होते हैं। इसके बाद चाय कॉफी का दौर चलता है। मेहमानों की विदाई के समय उन्हें पान और माउथ फ्रेशनर दिया जाता है। खाने के दौरान नौसेना का बैंड संगीत की धुन बजाता है। इस संगीत का कंपोजिशन हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित देश के अनुसार होता है।
उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। लाइव सिटीज के लिए पटना से प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट।